बांग्लादेश हिंसा को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्षी दलों को स्थिति के बारे में ब्रीफ किया है। उन्होंने कहा है कि वह बांग्लादेश सेना के संपर्क में बने हुए हैं। वहीं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बाहरी ताकत की बात उठाई। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हुई हिंसा में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। हिंसा इतनी बढ़ गई कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भागना पड़ गया। जानकारी के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में किसी भी नेता ने शेख हसीना के यहाँ आने और रहने पर सवाल नहीं खड़ा किया। सरकार ने कहा कि शेख हसीना जिस हालत से गुजरी है और अभी जिस मनोस्थिति में है, उसको देखते हुए सरकार उनको समय और स्पेस देना चाहती है ताकि वो तय कर सके कि आगे वे क्या करेंगी। हालांकि बैठक में ये जरूर पूछा गया कि भारत के छात्रों का क्या होगा। हिंदुओं पर हमलों को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर सरकार ने कहा कि हम लगे हुए हैं और मामले को बारीकी से देख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक में सरकार की विदेश नीति का समर्थन किया। बांग्लादेश में स्थिति बद से बदतर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना को 45 मिनट के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। जैसे ही शेख हसीना देश से बाहर निकली, वैसे ही आर्मी चीफ ने मीडिया को संबोधित किया और अंतरिम सरकार के गठन की बात कही। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी बांग्लादेश में उपद्रव जारी रहा, जनता सड़कों पर थी। वही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में भी बताया कि वो बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर हम बांग्लादेश की सेना और वहां के राष्ट्रपति से संपर्क में हैं। जयशंकर ने कहा कि हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर जयशंकर ने कहा कि हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश की भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं। वहाँ अनुमानित 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अधिकांश छात्र जुलाई माह में ही भारत लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राजनयिक उपस्थिति के संदर्भ में उच्च योग की सलाह के अनुसार ढाका में उच्च योग के अतिरिक्त चटगांव, राजशाही और सिलाद में हमारे सहायक उच्च योग है। उन्होंने कहा कि हमारी अपेक्षा है कि मेजबान सरकार इन प्रतिष्ठानों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी। विदेश मंत्री ने कहा कि हम स्थिति के स्थिर होने के बाद सामान्य कामकाज की आशा करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर विदेश मंत्री ने कहा, हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में भी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों द्वारा पहल की खबरें हैं। उन्होंने कहा, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से हम कानून और व्यवस्था के स्पष्ट रूप से बहाल होने तक अत्यंत चिंतित रहेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे सीमा सुरक्षा बलों को भी इस जटिल स्थिति के मद्देनजर पिछले 24 घंटों में विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।